हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मेरी ये वीडियो है 9 तारीख की। सो क्या है 9 तारीख को, हमने क्या करवाया था? सो अभी मैं नहाकर आई हूँ, मैंने अपने बाल धोए हैं और बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम था, यानी बारिश बहुत बुरी तरह बारिश हुई थी। सो ठंड भी पड़ रही थी, लेकिन मजबूरी थी बाल धोने की। सो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो शरद वाली पूर्णिमा आती हैं, जो शरद वाली पूर्णिमा को हमने अपना नया घर बनवाया था, ऐसा मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया। सो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। सो हमने नया घर बनवाया था, तो हमने सोचा था कुछ मतलब अलग से प्रोग्राम करने का, लेकिन ये पूर्णिमा जो आती है, सबसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है और इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से हमने इसी तारीख को छोटी सी कथा करवाई थी। सो पहले मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया, ना शेयर किया, ना ही कोई वीडियो बनाई मैंने के घर के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो पंडित ने बताया था कि ये पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है और सबसे अच्छी पूर्णिमा है, तो यहाँ इस दिन आप कथा कराओगे तो बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है, तो इसलिए हमने कथा कराई। वैसे इस व्रत को तो हम रहते ही हैं, मतलब साल की जितनी पूर्णिमा आती है सबको रहते हैं, लेकिन ये जो पूर्णिमा है वो सबसे बड़ी पूर्णिमा है सब साल की। सो जो व्रत नहीं रहते हैं वो इसी पूर्णिमा से व्रत रहना स्टार्ट करते हैं। सो हमने कथा कराई थी छोटी सी, तो 9 तारीख की वीडियो है ये। और बारिश का मौसम था, बहुत सारा पानी भरा पड़ा था चारों तरफ। सो ठंडा मौसम था बहुत, तो लाइट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी इस नए घर में। तो कथा की तैयारियां चल रही हैं, पंडित जी अपने जो भी मतलब क्या उनके कार्य होते हैं उनको शुरू कर रहे हैं, ऐसा मंत्र बोल बोल के। सो मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी दीदी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, और बाकी की जो अपने घरों में से आते हैं कथा सुनने के लिए वो सारी औरतें बैठी हैं। तो ये एक कमरे में करवाई है, अंदर वाले कमरे में। तो लाइट का कुछ भी सिस्टम नहीं था, सो हमने ऐसे ही अभी लाइट वगैरह फिटिंग कुछ भी नहीं हो पाया है, नल का काम भी नहीं हुआ, जो प्लम्बर का काम होता है वो भी नहीं हुआ, लाइट फिटिंग भी नहीं हुआ, अभी ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस कथा करा दी। बाकी की जो एक मतलब बात सबसे इमरजेंसी बात है वो बताने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत हैप्पीनेस बात है, अच्छा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, लेकिन किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वजह से हमने कथा करवाई, फिर मतलब यहाँ पे पंडित जी अपने अपने काम को करा रहे हैं, बाकी के सब लोग पीछे बैठे हैं। तो अभी हवन भी होगा कथा के बाद, यू भी बैठा है, सो हवन भी कराएंगे अभी। अभी कथा सुनी हम लोगों ने, पहले कथा सुनी, फिर यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र बोल रहे हैं और हम यहाँ पे हवन की सामग्री डाल रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। सो सभी लोग थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक करके सभी लोगों ने हवन किया, बहुत अच्छा लगा कथा सुनने, बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत शांति मिली कथा सुनने के बाद। सो बाहर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, मैं कमरे में वीडियो एडिट कर रही, प्लीज़ डोंट माइंड, अभी सोए नहीं हैं, सो गए थे फिर से जाग गए, फिर मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। सो मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, 10 बज रहे हैं, तो अभी सुला देते, फिर भी दोबारा से जाग गए ये बच्चे। सो हवन करने में बहुत मज़ा आया मुझे, हवन करने में मतलब जो बोलते हैं ना पंडित जी बोलते हैं पहले स्वाहा, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई ज़्यादा ग्यारी पटक दे या कोई थोड़ी सी, यानी कभी आँच जल जाती कभी कम रह जाती, ऐसा होता है। तो बस एंजॉय करो आप सब लोग, बहुत अच्छा लगा। सो अभी करवा चौथ का भी मेरा ब्लॉग आएगा, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इस ब्लॉग को अपलोड कर दूं, उसके बाद मैं करवा चौथ का ब्लॉग अपलोड करूंगी। तो फिर इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना अच्छा जाने वाला है, सो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, और शायद आप लोग मुझे इससे आगे सपोर्ट भी करेंगे, अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चल, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तो
यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं पीछे घर कुनबे की, जो औरतें होती हैं, क्योंकि भाई गांव का माहौल है तो गांव में बहुत सारी औरतें आती हैं। और वैसे भी हमने खाना पीना ऐसा कुछ भी नहीं किया, दावत वगैरह का ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं। तो पंडित जी ने एकदम से बताया था तो हमने एकदम से ही कथा कराई। फिर उसके बाद जो कथा, मतलब जो अगले नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ देखेंगे, कुछ अच्छा कराएंगे, वो भी आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सो अभी फ़िलहाल हमने हवन ही कराया था, हवन और कथा कराई थी, बस यही कराया था और कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। 5 कन्याओं को भोजन कराया था और कथा कराई थी और पंडित जी को। और सबसे बड़ी बात, पूर्णिमा के दिन अगर पंडित को हम भोजन कराते हैं तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है, और नारायण को भी खुशी मिलती है, यानी विष्णु भगवान जी को बहुत प्रसन्नता मिलती है। अगर आप लोग महत्वपूर्ण समझते हो इस दिन को, तो आप इस दिन कथा करा सकते हो, पंडित को भोजन करा सकते हो एक उद्यापन के रूप में। अगर आप पूर्ण व्रत करते हो तो उद्यापन के रूप में आप ऐसे पंडित को भोजन करा सकते हो। तो ये वीडियो मेरे मयंक ने मतलब ऐसे ही बना ली थी, मुझे बतानी थी, मेरे पास से फ़ोन लेके गया था, ऐसे ही वीडियो बनाई थी। तो अभी हवन यहाँ पे समाप्त तो हो चुका था, हम लोग तैयार मतलब आरती की तैयारी शुरू कर रहे थे, हवन हो चुका था। सो मयंक ने फ़ोन ले लिया तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बाहर बैठे थे कुछ बच्चे। अभी होम टूर में कराऊंगी तब, जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट, यानी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग हेल्प करोगे तो मेरी, तभी मैं अपने दोनों हाउस का होम टूर कराऊंगी। अभी मैंने एक भी हाउस का होम टूर नहीं कराया है इस चैनल पे, मैंने किसी भी चैनल पे नहीं कराया है। सो मेरे 1 लाख के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो अच्छे से होम टूर कराऊंगी। सो प्लीज़ 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 आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो यहाँ पे हमने 5 कन्याओं को भोजन कराया। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आराम से बड़ी शांति से मेरे कन्नू की वीडियो बनाई, कितने अच्छे से दूल्हा बन करके बैठा है मेरा गुड्डा। और गोपाल जी, हर बार गोपाल जी पंडित जी लेके आते थे अपने घर से, क्योंकि उनके पास थे, हमारे पास नहीं था मेरा गुन्नू। इस साल गुन्नू हमारा हमारे घर पे आ गया तो हमने इसको बिठाया। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।